कर्नाटक में कांग्रेस पार्टीए भव्य जीत मेळव्या बाद कांग्रेस पार्टीए मध्यप्रदेश की चूंटणी माटे तैयारी शुरू करी छे। कांग्रेस नेता राहुल गांधीए मध्यप्रदेश की चूंटणी ने लईने पहली प्रतिक्रिया आपी छे। तेमणे कह्युं छे के कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने 136 बैठकों मळी छे, परंतु मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 150 बैठकों मळे ते माटे चर्चा करवामां आवी हती। तो आ तरफ मध्यप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथे जणाव्युं छे के सोमवारे योजायेली बैठक में मध्यप्रदेश में चूंटणी केवी रीते जीतवी तेमज केटली बैठकों पर चूंटणी जीती शकाय ते मामले बैठक में चर्चा करवामां आवी हती। मध्यप्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्यप्रदेश के भविष्य का है कि कैसा मध्यप्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में, हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टीए भव्य जीत मेळव्या बाद मध्यप्रदेश की चूंटणी माटे कांग्रेसे तैयारी शुरू करी छे। राहुल गांधी और कमलनाथे मध्यप्रदेश में 150 सीट जीतवानो दावो कर्यो छे। तो बीजी तरफ मध्यप्रदेश वर्तमान सीएम शिवराजसिंह चौहाणे निवेदन आपता कह्युं छे के बाबा मन ने आनंद आपवा माटे कांग्रेस ना विचारों सारा छे। तो भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश में 200 वधु बैठकों पर जीत हासिल करशे। बाबा ख्याल अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहे। दिल्ली में सेवाओं ने नियंत्रित करवा माटे केंद्र सरकार द्वारा लावामां आवेला वटहुकम पर आम आदमी पार्टी ने समर्थन आपवा अंगे कांग्रेस पार्टीए सोमवारे लगभग पोतानुं वलण स्पष्ट करी दीधुं छे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथेनी बैठक में कांग्रेस नेताओं तेमनुं वटहुकम पर आपने समर्थन न आपवा जणाव्युं छे। सूत्रोना जणाव्या अनुसार पार्टीना नेताओं तेमने एम पण कह्युं के दिल्ली अधिकारीओना ट्रांसफर अने पोस्टिंग पर केन्द्रना वटहुकमना आ मुद्दा पर पार्टी ने अरविंद केजरीवाल साथे समर्थन आपवानी ना पाड़ी हती। जो के नेताओं अंतिम निर्णय लेवानुं हाईकमांड पर छोड़ी दीधुं छे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित नेताओं आ बैठक में हता। तो कमलनाथ तेमज दिग्विजय सिंह अजय मकवाणा पण आ बैठक में उपस्थित रहा हता। कांग्रेस पार्टी हाईकमान राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट ने दिल्ली बुलाव्या छे। 29 मे ना रोज राजस्थान कांग्रेस ना बन्ने नेताओं साथे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित पार्टी हाईकमान ना नेता साथे बैठक करशे। कांग्रेस अध्यक्षे आ बैठक की पुष्टि करी छे। तेमणे कह्युं छे के अमे अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथे चर्चा करीशुं अने पार्टी ना हित में निर्णय लईशुं। छेल्ला केटलाक समयथी राजस्थान कांग्रेस में पंगाणनी स्थिति दर्शावता अनेक समाचार सामे आव्या हता। तो राजस्थान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजस्थान में जाहिर सेवा आयोग पेपर लीक कांड में कार्यवाही करी मांग साथ अजमेर थी जयपुर सुधी पदयात्रा करी हती। तो वर्ष 2023 में राजस्थान में विधानसभा चूंटणी योजावानी छे। करने वाले हैं, आने के बाद ही मालूम होगा कि तो डिस्कशन करेंगे, पार्टी के हित में जो कुछ बातें होगी वो चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा चूंटणी नजीक आवी रही छे त्यारे प्रदेश कांग्रेस ने स्थितिनो ताग मेळवा माटे कांग्रेस हाईकमांडे राज्यना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अने सचिन पायलट ने बैठक माटे दिल्ली बोलाव्या छे। दिल्ली पहोंच्या बाद राजस्थानना सीएम अशोक गहलोते फॉर्म्युला विशे पूछवामां आव्युं त्यारे तेमना जवाबमां गहलोते जणाव्युं के मारा जीवनमां मैं क्यारे फॉर्म्युला विशे सांभळ्युं नथी, मैं कोई नेता कई मांगे के मने आ मळी जाय अथवा पार्टी हाईकमांड तमने ऑफर करे के तमने क्यूं पद लीवू छे। तो तेमणे कह्युं छे के आवी परंपरा मैं क्यारे कांग्रेस में जोई नथी। अशोक गहलोते कह्युं छे के कांग्रेस हाईकमांड अने संगठन आजे पण आटलू मजबूत छे। गहलोते दावो कर्यो छे के कार्यकर्ता के नेता पासे आवो सवाल करवानी हिम्मत नथी। जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे मुझे मिल जाए या हाईकमांड
उनको ऑफर करेगा आप कौन सा पद दोगे, ऐसा रिवाज कांग्रेस मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। हाईकमांड की मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी की मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप इसको मनाने के लिए ऑफर करो, आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। वर्ष 2024 में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी वच्चे गठबंधन थव जोईए नहीं के ए विषय पूछवा आवेला प्रश्नना जवाब में पंजाब कांग्रेस पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धुए जणाव्यु के ज्यां वैचारिक मतभेद होय त्यां गठबंधन थई शकतुं नथी। तेमणे कह्युं छे के आजे नैतिक मूल्यों सौथी निचला स्तर पर छे कारण के लोकतांत्रिक मूल्यों ने नुकसान पहोंचाड़वामां आवी रह्युं छे। सिद्धुए कह्युं छे के साचुं बोलवा बदल एक सांसद ने गैरलायक ठेरवामां आवे छे तो ये पण बंधारणीय लड़ाई छे। तेमणे कह्युं छे के बंधारण एक पवित्र ग्रंथ छे अने त्यानाथी तेमने प्रेरणा मळे छे। के विचारक मतभेद जहां हो वहां अलायंस नहीं होती गुरु, समझे नहीं। एंड आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन मॉरल वैल्यूज। आज मॉरल वैल्यूज जो है दे आर एट द लोएस्ट एब बिकॉज डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैव बीन डिसमेंटल्ड। वडाप्रधान मोदीए सोमवारे वीडियो कॉन्फरेंसिंग मार्फते लीली झंडी बताविने आसामनी पहली वंदे भारत ट्रेननी शुरुआत करावी। उत्तर पूर्वी भारत में शुरू थनारी आ पहली वंदे भारत ट्रेन छे। आ वंदे भारत ट्रेन आसामना गुवाहाटी ने न्यू जलपाईगुड़ी साथ जोड़शे। ट्रेन 410 किमीनू अंतर मात्र 5.5 कलाक में कापशे। देश में शुरू करायेली आ 18मी वंदे भारत ट्रेन सेवा छे। आ ट्रेन निर्धारित रूट पर 6 स्टेशन पर रोकाशे अने सप्ताह में 6 दिवस चालशे। वडाप्रधान मोदीए 182 किलोमीटर नवा इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन नु पण उद्घाटन कर्यु, तेनाथी प्रदूषणना स्तर में पण घटाड़ो थशे। आ साथे ज वडाप्रधान मोदी आसामना लुमडिंग में डेमू अने मेमू ट्रेन नु पण उद्घाटन करशे। आज नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी से जुड़े 3 काम एक साथ हो रहे हैं। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। वडाप्रधान मोदीए वीडियो कॉन्फरेंसिंग मार्फते लीली झंडी बताई आसाम में वंदे भारत ट्रेन की शुरूआत करी। वीडियो कॉन्फरेंसिंग माध्यम से संबोधता पीएम मोदीए अगाउनी कांग्रेस सरकार पर आकरा प्रहार कर्या। पीएम मोदीए जणाव्युं कि वर्ष 2014 पहला इतिहासना घोटाला अनेक रेकॉर्ड तूटी गया था। आ कौभांडे सौथी वधु नुकसान गरीब देशना गरीब लोकोने कर्युं छे। तेमणे कह्युं छे कि आ प्रकारना कौभांडना कारणे विकास में पाछळ रही जनार क्षेत्रों नुकसान थयुं छे। पीएम मोदीए कह्युं छे कि अमारी सरकारे सौथी वधु गरीब कल्याण ने प्राथमिकता आपी छे। गरीबों माटे घर, शौचालय, पाणीनी पाइपलाइन थी लईने गैस सिलिंडर सुधी तमाम क्षेत्रों में अमारी सरकारे काम कर्युं छे। तेमणे कह्युं छे कि भारत में थई रहेला माळखागी सुविधा छे, तेना विकासलक्षी कार्यो छे, तेनी समग्र विश्व में चर्चा थई रही छे। 2014 से पहले के दशक में इतिहास के घोटालों के हर रिकॉर्ड टूट गए थे। इन घोटालों ने सबसे ज्यादा नुकसान देश के गरीब का किया था, देश के ऐसे क्षेत्रों का किया था जो विकास में पीछे रह गए थे। हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। उत्तर प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ना अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर आकरा प्रहार कर्या। अखिलेश यादव ने जारे पूछवामां आव्युं के केंद्र सरकार ना 9 वर्ष पूरा थवा बदल प्रेस कॉन्फरेंस करवामां आवी रही छे, त्यारे तेमना जवाबमां तेमणे कह्युं के सरकार ना 9 वर्ष पूरा थई गया छे, एनो अर्थ ए थाय छे के सरकार 10 नंबरी थई गई छे। તેમણે કહ્યું છે કે સરકારની ઉપલબ્ધિ શું છે। અખિલેશ યાદવે કહ્યું છે કે સરકારે ઘોષણાપત્રમાં સ્માર્ટ સિટી અને એમ્સની વાતો કરી હતી,
तेनो केन्द्र सरकार पासे शु जवाब छे। तेमणे कह्युं छे के प्रदेश में केटलुं रोकाण थयुं ए विशे पण जानकारी आपवामां आवी नथी। नौ साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबर ही हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? तो बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं बढ़ा, इसका जवाब क्या है? जो घोषणा पत्र में लिखा था कि एम्स कितने बजाए जाएंगे, उसका जवाब क्या है इनके पास? सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए और प्रदेशों को पैसा मिल रहा है दिल्ली से, यूपी की सरकार को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बड़ा बड़ा आयोजन किया गया इन्वेस्टमेंट के नाम पर, कितना इन्वेस्टमेंट जमीन पर पहुंचा है? कितना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला है? स्मार्ट सिटी के नाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या काम किया है? देश की राजधानी दिल्ली में एक सगीर हिंदू छोकरी ने घात की हत्या बाद भारतीय जनता पार्टी ना नेता कपिल मिश्राए मोटू निवेदन आप्यु छे। घटना ने लईने तेमणे कह्युं छे के आश्चर्यजनक अने भयानक बाबत ए छे के राजधानी दिल्ली में आवी घटनाओ वधी रही छे। एक सगीर हिंदू छोकरी ने कचड़ी ने मारी नाखवामां आवी छे। स्थिति एटली खराब छे के दिल्ली में ज द केरल स्टोरी जेवी घटनाओ सामे आवी रही छे। अत्यारे अमे श्रद्धा ने न्याय मळे ते माटे संघर्ष करी रह्या छीए, જ્યાં અન્ય એક હિન્દુ સગીર છોકરીની હત્યાએ સમગ્ર દિલ્હીને ચોંકાવી દીધી છે। બીજેપી નેતાએ ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે દિલ્હીમાં આટલી દર્દનાક હત્યા થઈ છે તે ચોંકાવનારું છે। રાજધાની દિલ્હીના શાહબાજ ડેરી વિસ્તારમાં હૃદયને હચમચાવી નાખે તેવી દર્દનાક ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગઈ છે। અહીં એક સગીરાને છરીના ઘા મારી મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવી। બનાવ મામલે દિલ્હી મહિલા આયોગના અધ્યક્ષ સ્વાતિ માલીબાએ જણાવ્યું કે એક નાનકડી માસૂમ ઢીંગલીને ચાકુ મારીને હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી અને તેના પછી તેને પથ્થરથી કચડી નાખવામાં આવી। દિલ્હીમાં અત્યાચારોનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે। સ્વાતિ માલીબાએ વધુમાં કહ્યું કે હું માનું છું કે દિલ્હીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાનો નાશ થયો છે, એવી સ્થિતિ વિકસિત થઈ રહી છે જેમાં મહિલાઓ અને છોકરીઓ ખૂબ જ અસુરક્ષિત છે। पर मैंने इतना डराने वाला केस शायद ही कभी देखा है। एक 16 साल की लड़की, उसको सड़क पर, बीच सड़क पे सब लोगों के सामने 40 से 50 बार चाकू से मारा गया और उसके बाद ईंट मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई। कितना बेरहमी से उसको मारा गया, ये सारा का सारा सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कैप्चर हुआ है। और उस वीडियो में ये भी देख रहा है कि जब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो कई सारे आदमी और महिलाएं सड़क के पास से गुजर रहे हैं और कोई पलट के भी नहीं देख रहा। दिल्ली ना शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन नी हद में आता विस्तार में 20 वर्षीय आरोपी युवके 16 वर्षनी तेनी सगीर प्रेमिका ने चप्पाना घा मारी मौत ने घाट उतारी। आरोपी युवक साहिल अने तेनी प्रेमिका रिलेशनशिप में हता, परंतु बनावता दिवसे तेमनी वच्चे जे कोई बाबते झगड़ो थयो हतो। आरोपीनी प्रेमिका तेना मित्र ने जे पुत्रनी बर्थडे पार्टी में जई रही हती त्यारे आरोपीए कथित करीने तेने चप्पाना केटला घा मार्या हता अने त्यारबाद तेना पर पत्थर पण मार्यो। आ घटना बाद आरोपी फरार छे। पुलिसे आ मामले आईपीसी नी कलम 302 हेठळ गुनो दाखल करी आरोपीनी धरपकड करी हती। कल देर रात को हमें इन्फॉर्मेशन लगी थी कि एक माइनर लड़की है जिसको स्टैबिंग एंड उसको पत्थर से मार दिया गया है। तो उसके बाद हमारा स्टाफ पहुंचा था मौके के ऊपर, केस एफआईआर रजिस्टर की थी और मल्टीपल टीम्स बनाई गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लिया गया था और उसको ट्रेस कर रहे थे हम और उसके लिए हम सक्सेसफुल हुए हैं। तो एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। મણિપુરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ફરી એક વખત હિંસા ભડકી છે ત્યારે સીએમ એન બીરેન સિંહે કહ્યું છે કે ઘરોમાં આંગ ચાંપી અને નાગરિક પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો, જેમાં સામેલ લગભગ 40 સશસ્ત્ર ઉગ્રવાદીઓને સુરક્ષા બળોએ ઠાર માર્યા છે। સેનાના મતે ઉગ્રવાદીઓ વચ્ચે થયેલી વાતચીતમાં એવો મેસેજ મળ્યો છે કે મણિપુરને તબાહ કરવાના ષડયંત્રકારી હુમલામાં માનવ ઢાલનો ઉપયોગ કરી શકે છે। આશંકા બાદ સેનાએ ટ્વીટ કરીને ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે અને લખ્યું છે, નાપાક ષડયંત્ર છતાં ભારતીય સેના શાંતિ કાયમ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। ઉગ્રવાદીઓ નાગરિકો સામે M16 અને AK-47 એસોલ્ટ રાઇફલ છે, સ્નાઇપર ગન છે, તેનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો।
तो मणिपुर में वधु एक वक्त हिंसा नो बनाव बन्यो छे, जेमा पोलिस कर्मी सहित पांच लोकोना मौत थया छे, ज्यारे दस थी वधु लोको घायल थया छे। आ हिंसा पाछळ केटलाक उग्रवादी संगठनना आतंकवादीओनो हाथ मानवामां आवी रह्यो छे। उग्रवादीओ द्वारा अत्याधुनिक हथियारोथी फायरिंग कर्युं, जेमा पोलिस कर्मी सहित पांच लोकोना मौत थया छे। तो पश्चिमी इम्फाल जिल्लाना फेंग विस्तारमां थयेली हिंसामां एक व्यक्तिनुं मौत थयुं, ज्यारे काकचिंग जिल्लाना सुगुनु विस्तारमां थयेली हिंसामां एक पोलिस कर्मीनुं मौत थयुं छे। तो मणिपुर में हजू पण हिंसानी स्थिति संपूर्ण रीते शांत थई नथी, त्यारे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर की मुलाकाते जई शके छे। केन्द्रीय गृहमंत्री साथे संकळायेला सूत्रोए आ माहिती आपी छे। अमित शाह मणिपुर में त्रण दिवस सुधी रोकाई शके छे। केन्द्रीय गृहप्रधान मणिपुर में उच्च अधिकारी साथे सुरक्षा व्यवस्था मुद्दे बैठक पण करी शके छे। तो मणिपुर में त्रण मे थी हिंसा थई रही छे अने अत्यार सुधी में 50 थी वधु लोकोना मौत थया छे। तो मणिपुर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जणाव्युं हतुं के लोकोने निशानो बनावनार 30 जेटला आतंकवादीओने सुरक्षा बळोए ठार मार्या छे। गृह मंत्रालयना अधिकारीए जणाव्युं के मणिपुरमां स्थिति सुधरती रही हती, परंतु सुरक्षा बळोए आतंकीओ सामे कार्यवाही करता फरीवार हिंसा शरू थई छे। आतंकी फंडिंग केसमां अलगतावादी नेता यासीन मलिक ने मृत्युदंड की सजा फटकारवामां आवे तेवी मांग साथे एनआईए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील अरजी दाखल करी छे। तो दिल्ली हाईकोर्ट में आ केस में यासीन मलिक ने नोटिस पाठवी छे। दिल्ली हाईकोर्ट की डिविजन बेंचे 9 ऑगस्ट पहला यासीन मलिक ने कोर्ट में रजू करने आदेश कर्यो हतो। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहताए एनआईए वती रजूआत करी हती कि आरोपी आतंकी प्रवृत्तिओ में संडोवायेलो छे अने आ केस ने रेरेस्ट ऑफ रेर मानी जे आरोपी ने मृत्युदंड की सजा आप 24 मे 2022 रोज ट्रायल कोर्टे आ केस में जम्मू काश्मीर रिवल्यूशन फ्रंट नेता यूएपीए अने आईपीसी की विविध कलम हेठ दोषित जाहिर करायो हतो। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह पद पर राजीनामु आपे अने तेनी धरपकड़ करवामां आवे तेवी मांग साथे कुस्तीबाज विनेश फोगाट, साक्षी मलिक अने बजरंग पुनिया 28 मे ना रोज नवा संसद भवन की बहार महिला सन्मान महापंचायत योजवा जई रह्या हता, त्यारे रस्तामांथी पुलिस द्वारा तेमनी अटकायत करवामां आवी अने त्यार पछी गुनो दाखल थयो। आ मुद्दे वातचीत करता दिल्ली पुलिसना डेप्युटी पुलिस कमिश्नर सुमन नालवाए जणाव्युं हतुं कि अमे कुस्तीबाजोने 38 दिवस सुधी जंतर मंतर मैदान पर तमाम प्रकारनी सुविधा उपलब्ध करावी हती, परंतु रविवारे तेमणे नियमोनो भंग कर्यो अने माटे ज तेमनी अटकायत करवामां आवी। पुलिस अधिकारीए जणाव्युं कि अटकायत बाद तेमने छोड़ी मूकवामां आव्या हता। तेमणे कह्युं छे कि कुस्तीबाज शांति रीते धरना आपवा माटे अरजी करशे। उसी दिन हमारी संसद का इनॉग्रेशन था, नई संसद का, तो किसी भी सिक्योरिटी को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी एजेंसी इस तरह का प्रोटेस्ट अलाउ नहीं कर सकती। इनके साथ बातचीत हुई लेकिन इन्होंने कुछ भी सुनने से मना कर दिया। तो उसके बावजूद जब इन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो इनको डिटेन करना पड़ा। जितनी भी उन्होंने हमारी शर्तें थी उनके ऊपर बिल्कुल उन्होंने काम नहीं किया है, माने नहीं है। दिल्ली में 28 मे ना रोज नवा संसद भवन की बहार महिला सन्मान महापंचायत योजवामां आवशे योजवानी हती, त्यारे कुस्तीबाजों ने दिल्ली पुलिसे रस्ता में ज तेमनी अटकायत करी हती। आ विषे बात करता कुस्तीबाज साक्षी मलिके जणाव्युं हतुं कि अमे शांतिपूर्ण रीते मार्च करवानुं नक्की कर्युं हतुं, त्यां जंतर मंतर पासेथी ज दिल्ली पुलिसे अमारी अटकायत करी अने त्यारबाद अमारी साथे गुनो दाखल कर्यो। तो साक्षी मलिके आरोप लगाव्यो छे कि अमारी साथे पुलिसे धक्कामुक्की करी हती। તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે પોલીસે બળપૂર્વક અમને બસમાં બેસાડ્યા અને તેના કારણે અમને હળવી ઇજાઓ પણ થઈ છે। સાક્ષી મલિકે જણાવ્યું હતું કે અમે કોઈ હુબાળો કર્યો નથી કે જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડ્યું નથી। पूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिगेटिंग था, तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो, हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहां पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए। लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिगेटिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो। तो उस पुशिंग में वो हमें डिटेन करने लगे, लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ, हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं।
दिल्ली में नवा संसद भवन बाहर महिला सन्मान महापंचायत योजवा जता कुस्तीबाजों ने पुलिस अटकायत करी हती अने त्यारबाद तेमनी सामे गुनो दाखल करवामां आव्यो। आ मुद्दे बात करता केन्द्रीय मंत्री वीके सिंह जणाव्युं के मामला की समग्र तपास थई रही छे, परंतु तेम छता राजनैतिक हेतुना कारणे लोको त्यां बेसे छे तो कायदो अने व्यवस्था जाळवी राखवाना जे अधिकारीओ छे ते कार्यवाही करे छे। તેમણે કહ્યું છે કે જો બહારથી આવીને લોકો ત્યાં હોબાળો કરશે તો પોલીસ કાર્યવાહી કરશે, પોલીસ છે તે કાયદો અને વ્યવસ્થા મામલે એક્શન લેશે। देखिए पहलवानों की कार्रवाई के बारे में आपको पता है क्या चल रहा है, पूरी जांच हो गई, सब कुछ हो गई, उसके बाद भी अगर राजनीतिक तौर पर लोग बाग बैठते हैं तो जो वहां पे कानून और व्यवस्था बनाने वाले उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। दूसरे बाहर के लोग अगर वहां पर आकर दंगा करेंगे तो पुलिस अपने आप उसके लिए कार्रवाई करेगी, उसके ऊपर हमारा कुछ कहना नहीं है, वो पुलिस का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला।